तो हेलो दोस्तों, तो दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार दोस्तों आप इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो। हमेशा के लिए परमानेंटली डिलीट करना है, तो दोस्तों आज के वीडियो को शुरू से लेंगे तो जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार दोस्तों आप इंस्टाग्राम अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हो। तो दोस्तों अब इंस्टाग्राम ने बहुत सारे अपडेट कर दिए, आपको समझ में नहीं आएगा किस प्रकार इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट करना है। इस वीडियो को आप देख लोगे शुरू से लेकर एंड तक तो दोस्तों आपको 100% समझ में आएगा किस प्रकार इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर सकते हो हमेशा के लिए। तो दोस्तों इंस्टाग्राम अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको प्रोफाइल के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। कोने में प्रोफाइल का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों ऑप्शन मिलता है ऊपर, दोस्तों देख सकते हो 3 लाइन का यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। 3 लाइन के ऊपर अपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों 3 लाइन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों हमसे नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल जाएंगे, जैसे दोस्तों यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिलता है हेल्प का। दोस्तों आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिलता है, अपने हेल्प को यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हेल्प के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिलता है हेल्प सेंटर का। दोबारा दोस्तों जैसे हेल्प सेंटर का ऑप्शन मिलता है, अपने को यहाँ पर हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों हेल्प सेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो अपने को क्या करना, ऊपर 3 लाइन दिख रही है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो 3 लाइन दिख रही है यहाँ पर। तो दोस्तों अपने को क्या करना, यहाँ पर 3 लाइन के ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों 3 लाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों पहला उसका मिल जाएगा इंस्टाग्राम फीचर, दूसरा मिल जाएगा मैनेज योर अकाउंट। तो दोस्तों अपने को मैनेज योर अकाउंट ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों मैनेज योर अकाउंट ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों आप जैसे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो मिल रहा है डिलीट योर अकाउंट। दोस्तों आप जैसे ऑप्शन मिलता है डिलीट योर अकाउंट ऑप्शन मिलता है, अपने को इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन मिलता है टेम्परेली डीएक्टिवेट इंस्टाग्राम अकाउंट, दूसरा मिलता है डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट। दोस्तों बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से वीडियो छोड़ चले जाते हैं, यहाँ से डिलीट करने जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है नहीं डिलीट करना। तो दोस्तों आपको कैसे डिलीट करना है वो आपको ध्यान रखना। तो दोस्तों ऑप्शन मिलता है ऊपर टेम्परेली डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, तो दोस्तों इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे इसको यहाँ पर करना है, करने के बाद दोस्तों आप नीचे एक छोटा एक्सरो में ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो डिलीट योर इंस्टाग्राम अकाउंट उसको इस प्रकार लिखा हुआ होगा, अपने को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार पेज नया ओपन हो जाएगा, अपने ऊपर मिल जाएगा एंड्रॉयड ऐप हेल्प। तो दोस्तों अपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है मोबाइल ब्राउजर हेल्प, इसके ऊपर अपने को क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पर दोस्तों उसी प्रकार इंटरफेस ओपन हो जाएगा, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर दोस्तों डिलीट योर अकाउंट, दोस्तों ये ऑप्शन मिलता है, अपने को इसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर दोस्तों नया पेज यहाँ ओपन हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपको मिल रहा है वे यू आर डूइंग वेयर इंस्टाग्राम अकाउंट, आप डिलीट इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट क्यों करना चाहते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम कारण पूछ रहा। तो वो दोस्तों आपको कोई भी यहाँ पर कारण दे सकते हो। मैं यहाँ पर देता हूँ कि क्रिएट अकाउंट, मैं मेरे को एक नया अकाउंट बना इसलिए मैं यहाँ पर डिलीट करना हूँ, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पासवर्ड मांग रहा है, जैसे ही दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड डाल देगा दोस्तों अपना इंस्टाग्राम अकाउंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोस्तों आपको 30 दिन तक वेट करना है, 30 दिन के बाद दोस्तों फिर यहाँ इंस्टाग्राम अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको 30 दिन से पहले आपको फिर से लॉग इन करोगे तो डिलीट नहीं होगा, 30 दिन के बाद यहाँ से डिलीट